नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 19 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम आगे किसी भी चैप्टर को समझाते हैं आपको 100% समझ में आएगा। इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि एक कमजोर छात्र 100% में सीख सके। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी कमजोर छात्र हैं उन तक आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। ट्रेनिंग क्लास को पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड टेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड टेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुल 17 वीडियो है, जिसमें आई संबंधी प्रश्न और मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप में कुल 3 वीडियो है। उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में कुल 10 वीडियो है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टर्न में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद ट्रेन टाइम डिस्टेंस रेसेस चैप्टर पढ़ना है, जिसमें कुल 12 वीडियो है, और भी वीडियो आने वाली है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम में अभी 2 वीडियो है, और भी वीडियो आने वाली है। उसके बाद आपको आज औसत पढ़ना है, जिसमें आज पहली क्लास है। इससे पहले आप सारी क्लास को पढ़ के आते हैं आपको मैथ्स 100% समझ में आएगा। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं, जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे क्लियर किए जाएंगे। आपके डाउट तभी लिए जाएंगे यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं और हर वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज भी कराते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं औसत। औसत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बड़ा तो नहीं होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आईएएस में यहां से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और अन्य सभी एग्जाम में भी एक आध को क्वेश्चन रहता है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, औसत का मतलब होता है एक समान वितरण, एक समान वितरण। जैसे कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं, कोई 10 लड्डू खाता है, कोई 5 लड्डू खाता है, कोई 30 लड्डू खाता है, कोई 40 लड्डू खाता है, तो सभी लड्डुओं को जोड़ के, सभी लड्डू, जितनी भी लड्डू होंगी उनको जोड़ के और लड़कों की संख्या से भाग देंगे तो आपको औसत प्राप्त होता है। यानी कि एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका वितरण समान रूप से हुआ होता है। औसत कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे हम निकालना है 40, 60, 33 और 47 का औसत निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये 4 संख्याएं हैं, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने की 2 विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और एक विधि होती है लघु विधि, लघु विधि बोलते हैं, लघु विधि बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और 4 से भाग देते हैं, मतलब जितनी संख्या है उसके भाग देते हैं। 40 और 60 100 होता है और 33 और 47 80 होता है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और 180 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो औसत निकल जाएगा 45। ठीक है ना, ये 45 औसत हो गया। यानी कि 45 का एक समान वितरण है 4 लोगों में। समझ में आया है औसत। लघु विधि में हम लोग कैसे औसत निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, इसका डिस्कस हम लोग टाइप नंबर 2, 3, 4 में करने वाले हैं।
अभी फिलहाल इसकी जरूरत ये वाले टाइप से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से। विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे, सम संख्याओं का औसत निकालेंगे, फिर हम लोग इस टाइप पे चलने वाले हैं। लघु विधि में क्या करते हैं, अपने मन से एक औसत निकालते हैं, औसत निकालते नहीं है, अनुमान से एक औसत इसके आसपास चुनाव कर लेते हैं, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ध्यान से देखिएगा कैसे मानते हैं, 40, 60, 33 और 47 में से जो आपको लग रहा है कि औसत होना चाहिए उसके आसपास संख्या ले लीजिए। जैसे आपको लग रहा है 50 तो 50 ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है 40 तो 40 लिख लीजिए, ठीक है ना। जो लग रहा है उसको लग रहा है, जैसे हमें लग रहा है 50, ठीक है, तो हमने 50 ले लिया, ठीक है। 50 को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ये 40 है तो आपने 40 से कितना ज्यादा मान लिया है, इसमें 50 से कितना कम पड़ रहा है, 10 की कमी है। 50 से ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 50 से ये कितना कम है तो 17 कम है। 50 से ये कितना कम है तो 3 कम है। ध्यान से देखिएगा, यदि औसत 50 मानते, यदि औसत 50 होता तो ये जो विचलन है ना, विचलन 0 होता। यदि 50 आंसर सही होता तो ये जो डेविएशन निकला है -10, 10 ये हो जाता आपका कितना करेक्ट, ये 0 हो जाता, ये और ये 0 बना देगा। देखिए ध्यान से, ये कमी है और ये कमी है, ठीक है ना। यानी 50 जो माना है आपने, एक बड़ा औसत मान लिया है, ये औसत सही नहीं है क्योंकि इन संख्याओं में 17 का अभाव है, माइनस का पलड़ा भारी है, प्लस का पलड़ा एक ही जगह है जबकि माइनस का पलड़ा भारी है, तो माइनस में अभी हम लोग चल रहे हैं तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। 17 और 3 20 माइनस में चल रहे हैं, कितने लोगों में, 1, 2, 3, 4, तो 4 लोगों में, तो औसत हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 45 को लघु बोलते विधि बोलते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हमने, ठीक है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, देखिए जैसे हमें इसका निकालना है औसत, ठीक है ना। तो औसत निकालने के लिए दो विधियां होती हैं, एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और एक विधि होती है लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, सारी की सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो इसको जोड़िए, जो आएगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए, यही हमारा औसत होता है, ठीक है। लेकिन लघु विधि में औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो पांचों संख्याओं में से कोई संख्या औसत मान लीजिए, या अपने मन से कोई संख्या औसत ले लीजिए जो आपको लग रहा है, ठीक है ना। हमें ऐसा लग रहा है कि 30 औसत होना चाहिए क्योंकि, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए 30 ले लीजिए, ठीक है ना। 30 ये गलत आंसर है, आपको भी पता है क्योंकि अपने मन से लिया हूं, समझ में आया है। 30 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। 30 से ये कितना ज्यादा, 10 ज्यादा। 30 से ये कितना कम, 10 कम। 30 से ये कितना कम, 7 कम। 30 से ये कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। 30 से कितना ज्यादा, +20, ठीक समझ में आया। देखिए ऊपर को ध्यान से देखा जाए तो प्लस का पलड़ा भारी है, 20, 5, 25 और 10, 35, 35 में से माइनस का पलड़ा घटाइए, 35 में से क्या कीजिए, 10 और 7, 17 घटाइए, तो 35 में से 17 घट जाएगा, 18 बन जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां पे प्लस का पलरा भारी था, प्लस का पलरा भारी है, इसीलिए हम लोग यहां पे प्लस लगाया था, पिछले क्वेश्चन में माइनस लगाया था। और यहां पे पांच से भाग दे देंगे, एक दो तीन चार पांच, तो ये हो जाएगा पांच तिहाई पंद्रह, और पांच तिहाई पंद्रह पांच का तीस, तो औसत हो जाएगा 33.6। समझ में आया कि नहीं? इस विधि से भी इतना ही आंसर आएगा 33.6। अब हम लोग क्या करते हैं, औसत को हम लोग टाइप वाइज लेके चलते हैं। तो सबसे पहला टाइप लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत में ध्यान से देखिएगा, हम लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ध्यान से देखिएगा, यदि हम लेते हैं संख्या एक दो तीन चार पांच और ऐसे संख्या लेते हैं, तो इसको बोलने का मेरा तरीका होगा प्रथम एन क्रमागत संख्याएं। क्या बोलूंगा मैं? हां बिल्कुल, प्रथम, यदि हम प्रथम से शुरुआत किए हैं तो मैं बोलूंगा प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। यदि मैं कहीं से भी उठा लेता हूं, जैसे मान लीजिए 61 62 63 64 65 66, तो इसको बोलूंगा किन्हीं छह प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलूंगा मैं प्रथम? कब बोलूंगा? जब संख्याएं पहले से स्टार्ट है, शुरू से स्टार्ट है, प्रथम एन क्रमागत संख्याएं, या प्रथम 20 संख्याएं, प्रथम 100 संख्याएं बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? किन्हीं 15, किन्हीं 10, किन्हीं 5। किन्हीं कब लगाऊंगा? जब संख्याएं ओरिजिन से नहीं। औसत निकालने के लिए आपको योगफल निकालना जरूरी है, मस्ट है, अपरिहार्य है, बिना योगफल का औसत नहीं निकलता है। तो यदि हमें एन संख्याओं का औसत निकालना है तो एन संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए। तो योगफल का मतलब है सम। क्या है? सम। सम का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है ना? ये हो गया हमारा योगफल का फॉर्मूला। योगफल का फॉर्मूला ये कैसे आया है बताऊंगा, नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आएगा समांतर श्रेणी। इस फॉर्मूले की उत्पत्ति समांतर श्रेणी से हुई है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हुई है। इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसीलिए हमने जल्दी से इसको ले लिया। तो ये हो गया योगफल। अब हमें औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए एन इंटू एन प्लस वन में हमें डू में एन से भाग देना होगा। देखिए हमने भाग देने का तरीका बताया था कि ये सात सात हैं, ये सात सात हैं, तो इसके नीचे एक खींच देंगे। और भाग देने का तरीका होता है कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई एन, ऐसे हो जाता वन बाई एन, एन से एन कट गया, औसत हो गया आपका एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू बोल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसी को पढ़ने का तरीका हो जाता है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई टू, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई टू। अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा ध्यान से, या एक दो बात और सीख लीजिए पहले, एक दो बात और सीख लीजिएगा। यदि हम किन्हीं शब्द लगा के बोलता हूं, किन्हीं, जैसे लिखता हूं 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है ना, पांच संख्याएं लिया हूं, यदि इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए तो औसत आ जाएगा 43, ठीक है। शुरू की दूसरी और लास्ट की दूसरी 42 प्लस 44 करते हैं और दो से भाग देंगे तो भी औसत आ जाएगा 43। एक पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट क्या है,
यदि संख्याएं 5 बार 7 बार 9 बार हों तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। दो संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, दो संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, औसत हो जाएगा मिडिल वाला। समझ में आया है? मिडिल वाला। अभी हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा। इसी को ऐसे होता 41 42 43 44 45 46, ठीक है ना। यदि हम 5 बार लेते हैं तो बीच वाला को हम देख पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन यदि हम 6 बार लिख दें, 8 बार लिख दें, 10 बार लिख दें तो बीच में एक संख्या आप नहीं बता सकते हैं, दो संख्याएं बताना पड़ेगा। तो यदि हम 6 संख्या लेते हैं तो 2 इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर छोड़ दीजिए, और जो संख्या में अंतर है, अंतर अंतर अंतर, एक का आधा कितना होता है? आधा 0.5 होता है। तो इस संख्या में 0.5 जोड़ दीजिए, 43.5 औसत होगा, 0.5 हमने जोड़ दिया, और इसमें से आप 0.5 घटा दीजिए तो औसत यही होगा। समझ में आया? छोटकी में 0.5 जोड़ दीजिए, अंतर का आधा, और इसमें से अंतर का आधा घटा दीजिए। समझ में आया? या पहली संख्या और लास्ट संख्या को 2 से भाग देंगे तो भी 43.5 औसत आ जाएगा, ठीक है। शुरू की दूसरी लास्ट की दूसरी को 2 से भाग देंगे तो भी आपका औसत आ जाएगा। समझ में आया है? इसको बोलने का तरीका होगा किन्हीं 5 क्रमागत प्रकृति संख्याएं, किन्हीं 6 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम कब लगाऊंगा? जब संख्याएं 1 से शुरू होंगी। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत बताएं, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताएं, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है, और अपने सारे नियम का प्रयोग करना है, सारे नियम का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और ये हो गया 100, ठीक है। औसत निकालने के तरीके, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, 50.5 आंसर आ गया, ठीक है। शुरू की दूसरी और लास्ट की दूसरी तो भी आंसर आ जाएगा 50.5, शुरू की तीसरी और लास्ट की तीसरी 98 आ जाएगा ना, ये हो गया 99 और ये हो गया 98 दोस्तों, भी आएगा 50.5। समझ में आया कि नहीं? या यदि 100 संख्याएं हैं तो 49 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 49 इधर छोड़ दीजिए, तो 50 में और 51 में इनका गैप जो आएगा ना, गैप आधा होता है, आधा जोड़ दीजिए तो 50.5 हो जाएगा। ये सारे नियम अपने दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अब मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिए। किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 57 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताएं। देखिए, हमने बोला है किन्हीं 11 प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, समझ में आए? 11 संख्या बोला हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं। 5 संख्या इधर छोड़ दीजिए और 5 संख्या इधर छोड़ दीजिए, औसत हमेशा बीच में रहता है, अभी हमने बताया है, औसत बताया कि नहीं? औसत हमेशा बीच में रहता है,
तो बीच में आप भर दीजिए 57, ठीक है ना। देखिए एक स्थान पीछे जाने के लिए 56 होगा, 55 होगा, 54 होगा, 53 होगा और ये होगा 52। तो पांच स्थान पीछे जाने के लिए यहां पे छोटी संख्या 52 हो जाएगी और बड़ी संख्या में 57 में 5 जोड़ेंगे तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 62। समझ में आया कि नहीं आया? 5 जोड़ देंगे, समझ में आया? कितने लोगों समझ में आया, हाथ खड़ा करेंगे? इस बहुत बढ़िया, शानदार, पूरा देश के छात्र हाथ उठाए हैं, इधर आसपास पड़ोसी देशों से भी हाथ उठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूं, उसको करिएगा आप। किन्हीं 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 105 है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 25 संख्या लेना है तो 14 संख्याएं इधर छोड़ना होगा, 12 संख्या इधर छोड़ना होगा और 12 संख्या इधर छोड़ना होगा, 12 और 12 24, यही औसत होगा। औसत हमेशा कहां होता है? बीच में होता है। तो औसत भर देंगे हम, कितना बोला हूं, 105। समझ में आए? 12 संख्याएं छोड़े हैं तो 12 स्थान पीछे जाना होगा, एक स्थान पीछे जाने के लिए एक घटाना होगा, दो स्थान पीछे जाने के लिए दो घटाना होगा, 12 स्थान पीछे जाने के लिए 12 घटाना होगा। तो 12 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 95 और 12 घटाएंगे तो 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। समझ में? बड़ी संख्या बताने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 117। समझ में आया? और गुणा करते हैं 117 में 93 से तो इकाई का अंक क्या होगा? 3 7 21। समझ में आया? तो 1 इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? कितने लोग, हाँ समझ में आ गया, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। समझ में आया? 12 स्थान पीछे जाएंगे 93 और 12 स्थान आगे जाएंगे 117। समझ में आया? लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किन्हीं 14 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 86.5 है। अंतिम से पांचवी संख्या क्या होगी, बताना है। देखिए एक सब कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। आईएएस में 2-3 साल से लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 14 बोला हूं संख्या, 14 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, ये 14 संख्या हमने लिखा है, ठीक है ना। बीच में आप बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या बीच में होगी, बीच में दो संख्याएं होंगी, 14 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या इधर छोड़ दीजिए। समझ में आया है? 6 संख्या इधर छोड़ दीजिए। औसत है 86.5, तो इसमें 0.5 घटा दीजिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा 86, क्योंकि इसमें से 0.5 जोड़ते हैं, बचपन में बताया था कि अंतर का आधा जोड़ते हैं, इसमें से अंतर का आधा
घटाया गया है तो इसको कर दीजिए 87। समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 88। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह स्थान आगे जाना है, छह स्थान आगे जाना है तो ये हो जाएगी 93। समझ में आया है? हमें तो अंतिम पांचवी संख्या बतानी है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो जाएगी 88 और ये हो जाएगा 89। यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि ना? अंतिम पांच, अंतिम पांच का मतलब है इधर से पांच, 89, 89 इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटी संख्या के लिए छह स्थान पीछे जाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 81, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसा हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं सम संख्याएं और विषम संख्याओं में, तो सम संख्याएं विषम संख्याएं में और भी करने वाले हैं तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लिखिए, अब आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज ऑफ ऑड नंबर। ध्यान से देखिएगा, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ठीक है ना? विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए ध्यान से, 1, 3, 5, 7, 9 और ये सब संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्या, ठीक है ना? एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, ध्यान से देख लीजिए, कॉर्नर में करवाता हूं, इसको देखिए, 1 और 3 दो संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो 2 का स्क्वायर योगफल होता है, क्या होता है? योगफल होता है। समझ में आया? 1, 3, 5 तीन संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर योगफल होता है, योगफल होता है। 1, 3, 5, 7 चार संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाता है। 1, 3, 5, 7, 9 पांच संख्याओं को जोड़ते हैं विषम तो 5 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, यदि दो संख्याओं को जोड़ते हैं विषम संख्याएं क्रमागत, क्रमागत क्रमागत, प्रथम 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 वाला, दो संख्या लेंगे 2 का स्क्वायर योगफल होता है। तो योगफल यदि 4 है और 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है तो औसत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी जितनी संख्या है उतना ही औसत आ रहा है। 3 संख्या है तो योगफल है 9 और 3 से भाग देंगे तो औसत हो जाएगा 3। 4 संख्या है, औसत योगफल आ रहा है 16 और 4 से भाग देंगे तो 4। यानी कि कहने का मतलब है कि विषम संख्याएं जितनी बार लेंगे उतना ही औसत होगा, जितनी बार लेंगे उतना ही औसत होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम n संख्या लेंगे तो योगफल कितना होगा? योगफल का मतलब है सम, सम, समझ में सम होता है तो n स्क्वायर योगफल होता है, n स्क्वायर योगफल होता है और n स्क्वायर में n से भाग देंगे तो औसत क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, n ही औसत होगा। समझ में आया कि नहीं? औसत क्या होगा? n होगा। तो उम्मीद है कि आज जो भी हमने पढ़ाया है अगले लेसन में इसके बारे में सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत पढ़ेंगे, इसके जो भी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम लोग लेंगे। फिलहाल ये वीडियो 29 मिनट की हो गई है तो इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इतना पढ़ के आइए और कल ही मैं इस वीडियो को पूरा करूँगा। जो भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत शेयर कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।